गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो काफ़ी टाइम पहले उठ चुके थे बट ब्लॉग की ओपनिंग मेरे वजह से आज हो गई है लेट, क्योंकि पहले मैं गया मक्कू के लिए पेरू वगैरह लेके आया और दूध वगैरह लेके आया नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी चाय वगैरह तो बना दिया हूँ मैंने और अभी बस अभी थोड़े टाइम में नाश्ता ये सब करते फिर उसके बाद हम लोग आपसे आराम से मिलते और देखते आज का प्लान क्या होता है। आज सुबह सुबह एक शादी की इन्विटेशन भी आई है यही बिल्डिंग के कहा बिल्डिंग में रहते बिल्डिंग के नीचे रहते बिल्डिंग में ही रहते बिल्डिंग में ही रहते क्या? हाँ, बिल्डिंग में ही रहते क्योंकि मैं तो पहचानता नहीं ना। हाँ, तू कैसे पहचानेगा हमारे यहाँ के लोगों को। चलो ठीक है, अभी देखते नाश्ता वगैरह करते फिर उसके बाद हम लोग आपसे आराम से। देखो रोटी ना बच चुकी थी, अभी मैं क्या कर रही हूँ मालूम, यहाँ पर मैंने पानी लिया है इसके अंदर नमक डाला थोड़ा सा और मैं क्या करूँगा पानी में रोटी को डिप करूंगी पूरा। यस, और ये बहुत टेस्टी लगती है ऐसे खाने से, एक बार जरूर ट्राई करना और इसको हम तवे पर डाल देंगे और थोड़ी देर इसको रखेंगे। और घी, आप लोग घी खाते हो तो घी डालो, नहीं तो मस्का डालो, नहीं तो तेल भी डाल सकते हो, बट मैं तो घी ले रही हूँ क्योंकि मैं तेल ये सब नहीं ले रही, तो मैं घी ले रही हूँ। तो उसको ऐसे सेक लूँगी, मस्त लगता है खाने के लिए, तो आप लोग जरूर ट्राई करना एक बार। ये बासी रोटी से भी खा सकते हो। मैं नाश्ता करने बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर रोटी मेरे लिए है और ये कैफ के लिए ब्रेड और मस्का है, यहाँ पर चाय रखी हुई है। तो चलो कि नाश्ता करके फिर आप पूछ। मैं आ चुकी हूँ जिम और शूट करना ही भूल गई घर से निकलते हुए, अचानक से मैं नीचे पहुँची तो याद आया, तो आज वर्कमैन लेके आ गई हूँ। फटाफट जाते ऊपर, फटाफट करते हैं वर्कआउट, फिर निकल के आप लोग से मिलते हैं। शूज पहन लिया, मॉडल यहाँ है, चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इसके वर्कआउट में, आप देख सकते हो। और मैं कुछ चीज़ को लेकर खुश भी हूँ तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊँगी। बहुत मज़ा आया इसका वर्कआउट करते, एकदम फ्रेश हो गई मैं एकदम। तो चलो अभी मैं निकल रही हूँ, शूज निकाल रही हूँ, पानी वानी पी दी थोड़ा, दो मिनट बैठ के फिर बताती हूँ, तो मिलती आप लोग किसी का घर जाकर। सो गाइज, अभी मैं नहा धो के चेंज वगैरह करके बैठा हुआ हूँ और बस ऐसे ही मैं कमेंट्स पढ़ रहा था पिछले व्लॉग के, तो थोड़े बहुत कमेंट्स ऐसे आए कि यार वही डेली रूटीन है, सुबह उठा नाश्ता किया, ये लेके आया वो लेके आया, ऐसे किया वैसे किया, कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, फिर बुरान को मिलने गए, बस वहीं दिन ख़त्म हो गया। तो भाई आइडिया दे दो तुम हमको क्या करना होगा, ठीक है? क्योंकि जो हमारा डेली रूटीन है, जो हम जैसे है हम वही दिखाते हैं, हम चीज़ें फेक करके नहीं बताना चाहते कि यार कुछ नहीं है तो हम ज़बरदस्ती का झगड़े कर ले या बिन मतलब का प्रैंक कर ले, है ना? क्योंकि प्रैंक वगैरह हमने ट्राई कर लिया है, प्रैंक वगैरह के चक्कर में आपस में हमारे झगड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो प्रैंक भी उस तरीके के लोग बोलते करने के लिए कि ये है वो है, बहुत किस्म के प्रैंक्स लेके आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने डिसाइड किया कि अभी हम लोग प्रैंक्स अवॉइड करेंगे क्योंकि प्रैंक्स के चक्कर में आपस में झगड़े होते ही हैं। हाँ, जिसके नहीं होते ना वो सिंपल से पता चलता है कि भाई ये टोटल फेक है, क्योंकि अगर प्रैंक अगर असलियत में हो रहा है बिना सामने वाले की जानकारी के तो भाई वो झगड़े होने ही हैं उसमें। और रही बात हाँ, मैं ये बोल रहा था कि नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक करके दिखाने के लिए कि यार हम ज़बरदस्ती कहीं घूमने चाहेंगे या ज़बरदस्ती हम खर्चे करें या ज़बरदस्ती हम शॉपिंग के लिए जाए। जब जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम तब वो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शॉपिंग का टाइम होगा तब हम शॉपिंग करेंगे। और हाँ, रही बात कुकिंग वगैरह की, तो शिरीन अभी स्टार्ट कर रही है फिर से कुकिंग वगैरह करने का। मैंने भी उसको बोला है कि भाई एटलीस्ट कुक कर और शूट कर, शूट किया कर उस चीज़ को। तो बस देखते हैं अभी कैसा क्या सीन है। और इस पे से भी मेरे इस चीज़ पे से भी कमेंट आया कि अभी देखते हैं क्या करना है। तो भाई हम पहले से प्री प्लान्ड नहीं होते, फेक चीज़ें हम नहीं करते हैं कि बिन मतलब का हम, मैं पहले ही आपको बोल दूँ यार अभी हम लोग ये करने वाले हैं, तो वो प्री प्लानिंग हमारा नहीं रहता है। जैसे दिन हमारा निकलता है हम वही फ्लो के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाते, हम चीज़ें फेक नहीं करते, ठीक है? तो अभी शिरीन जिम में, ये पता है, पता नहीं है मुझे कि उसने शूट किया है या नहीं किया है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग।
बट हाँ हमारी प्लानिंग चालू है, देखते पिछले व्लॉग के आपने टाइटल देख के समझ में आया होगा कि कहीं जाने की या कुछ तो प्लानिंग चालू है। हाँ प्लानिंग चालू है हमारी कहीं जाने की, बट कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। हम जहाँ सोच रहे जाने के हम वहाँ भी जा सकते हैं, या प्लान चेंज भी हो सकता है कहीं और जाने का। तो जो भी होगा आप लोगों को तो आगे व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। ये लिफ्ट तो मेरी नहीं है, ये लिफ्ट अम्मी लोग की बिल्डिंग की, तो मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। और कुछ तो है वो आप लोग को आगे शायद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ पर, तो पहले अम्मी लोग से मिल लो, फिर उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। मैं यहाँ से निकल गई और कहीं जाने का प्लान हो रहा है, कहीं जाने की तैयारियाँ शुरू है। सो आप लोगों को तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। अभी मैं ही जैनब के यहाँ पर, क्योंकि कल है ना मेरा परफ्यूम इसके पर्स में रह गया था, तो वो लेना ही है। मैं अब मुझे बहुत जोर से सुसु भी लगी हुई है, तो मैं इसके यहीं कर लूँगी। तो थोड़ी देर से मिलती आप लोग से। जैनब के यहाँ पर आई, अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और जैनब बनी है पहाड़न। दिखाओ मैं गाइस आप लोग को, इधर इधर आईने की तरह, आईने की तरह रखी कपड़े देखो। अब ये गा नाचेगी ठुमक ठुमक पहाड़न बन चुकी है देखो गाइस। अब नाच के बता तो चलो मैं निकल रही हूँ यहाँ से, बाट गया तो चलो जाती हूँ घर पर। गाइस अभी जा रही हूँ घर पर। कैफ तो काफी गुस्सा होगा क्योंकि उसको बता ही नहीं दी मैं अम्मी यहाँ जा रही हूँ। भाई फोन आया था छिड़ गया मेरे पे कि कहाँ है ये वो। अभी जा रही हूँ ऊपर, फ्रेश होती हूँ, नहा के तो मस्त गई थी क्योंकि सोची थी नहा के जाती ना तो अच्छा लगता है मुझे। तो वैसे क्या बोलते हैं कि नहीं नहाने का, बिना नहाए चले जाने का मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट स्वेट निकालना चाहिए जितना आता है अपना, क्योंकि वैसे भी बाद में ऑफिस पसीना आ जाता है। कोई आ गया मिलते थोड़े देर। तो मैं ये प्रीफर करती हूँ कि मैं नहा के जाऊँ और मैं फिर से आऊँ तो मैं फिर से नहा लूँ, मैं ये प्रीफर करती हूँ। तो चलो फटाफट फ्रेश व्रेश हो पे, फिर आप लोग से मिल रहे हैं। सो गाइस फाइनली जिम से आके इसने अपनी खाने की तैयारी कर दी है शुरू, और आज शिरिन है खुश क्योंकि चार दिन की मेहनत में उसको थोड़ा फर्क पड़ा है। मैंने जो बोला था आप लोग को जिम में बैठ के कि मैं खुश हूँ कोई चीज को लेके, तो बस कुछ अच्छा रिजल्ट आया है। बस अच्छा है कि बस ये आने वाले टाइम में इसी तरीके से खुद के लिए कम से कम बना के अच्छी चीज खाए तो अच्छी बात है। और इसने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो बहुत सीरियस लिया, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। यस थैंक यू, अच्छी चीज है। कम तुम मीट टुमारो। हां कौन सी भाषा बोल रही है? सुपारी तो निकल मुंह से, इंग्लिश ही बोली मैंने। अच्छा तो हमारी मक्कू को मालूम नहीं, पता नहीं मक्कू को क्या हो चुका है, डेली ये टाइम पे इतना चिल्लाने लग गई है कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेली का हो गया उसका रोज। अभी तू रोटी अभी सेक रही है, बाद में सेकेगी। मैं अभी सब ये करके रख रही हूँ, पेड़ा बना के थोड़ा आटे को भीगने रख रही हूँ। भीगने मतलब सॉफ्ट होने के, पेड़े मैंने बना दिए तो अगर बच गई तो मुझे कल भी काम आ जाएगी रोटी, मतलब सुबह नाश्ते के लिए सिर्फ। ठीक है, और मैं बिना ऑयल के बना रही गाइस रोटी, जिसमें सिर्फ आटे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है कि उसको भूनने के टाइम पे नहीं तो पूरा स्टिकी होता है। और रोटी जब मैं बनाऊंगी विदाउट ऑयल बनाऊंगी, इसको थोड़ा भी ऑयल नहीं डालूंगी। वेरी गुड। और ये देखो आटला का बाटला। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि शिरिन ने समझाने के लिए किया है पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो पिज़्ज़ा वाला जो है ना वो घर तक के नहीं आता, डोमिनोज वाला, तो आगे आशीष थिएटर है ना वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके मैं पिज़्ज़ा पिकअप करके समझानी को दे के फिर रिटर्न आऊँगा, तब आपसे मिलूँगा। सो समझानी का पिज़्ज़ा मैंने लेके आ चुका हूँ। अब मैंने कॉल किया दीदी को, पता नहीं या दीदी अपने घर में या ऊपर है, तो दीदी बोले दो मिनट रुको मैं आ रही हूँ, देखते हैं आते तो मैं पिज़्ज़ा देता हूँ, फिर घर पे जाके आपसे मैं मिलता हूँ। मैं खाना भी खा ली और मतलब रोटी भाजी खा ली हूँ और बस फ्रेश फ्रेश हो गई मैं। फिर से मैंने ये पहना क्योंकि कपड़ा गंदा नहीं था मेरा इसके वजह से, तो मैंने यही पहन लिया। तो क्योंकि वापस अभी जाऊँगी माइम तो फैन में ना हो ऐसा बस्ती में जाके बैठे बैठो तो गंदा ही होना ही है कपड़ा, तभी मैं कहाँ निकालते रहूँ बार बार। तो मैंने बोला चलो वापस ये पहनते साफ कर, तो मैं तक ही बकबक कर रही पर। तो उस दिन जेली ली थी मैंने समदानी को, वो जेली मैं उसको बेचारे को हमेशा सोचती अभी दूंगी अभी दूंगी अभी दूंगी, वो इतना परेशान कर दिया अभी जैनब को, जैनब प्लीज़ अभी तू लेके आके दे ही उसको। मैंने ठीक है अब तो निकाल के रख दी हूँ मैंने,
तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मक्कू का मुंह तो पता नहीं क्या हो गया, माशाल्लाह से इतना चालू है कि क्या बताऊं। तो चलो मिलते हैं आप लोग से अम्मी के यहाँ जाके, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ले जली लेके हेलो पहले सीधे करो, पहले सीधे पीछे कुछ नहीं, पहले सीधे करो। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? नंदनी शेख। नंदनी शेख, अच्छा तुम किसके बेटे हो? मॉम। मॉम कौन है? कहाँ है मॉम? का खड़ी है? हाँ इधर। थैंक यू मॉम। चल गिरेगा, मैं नीचे ले जाके देता हूँ। नहीं बोलो, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, नींद नहीं आ रहा। मैं नहीं आऊंगा, मेरी ओपिट करो अभी। अरे मेरा कैमरा इतना गंदा है। सो गाइस, मम्मी के यहाँ बैठी थी बात करते हुए, और बात करते करते तो इतना टाइम हो गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और कैफ नीचे बेचारे मेरा वेट कर रहे हैं, अब्बा के साथ बैठे हुए। फटाफट जा रही हूँ नीचे, तो आपसे सीधा अभी मैं मिलती हूँ मार्च में। नई नई गाड़ी का उद्घाटन होते हुए, वाह सीधा घुसा दिया ऑटो के अंदर। लोग है ना, कब से माहिम में ही रुके हुए थे, और मतलब ऐसे बैठे हुए थे, चिल आउट कर रहे थे। तो अभी कैफ जा रहे हैं बुरान के घर पे, क्योंकि कैफ को चाहिए बैग कल के, कैफ कहीं कहीं जा रहे हैं इसलिए। तो अभी चाह के फटाफट बैग लेके फिर हम घर निकलते हैं, और आपसे सीधा मिलती हूँ मैं घर पर। कैसे? सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर, और पूछ कैसे तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी जा रहे खाना वगैरह खाते। सभी जो हो रहा था ना गाइस, हाँ तुम काले दिखने लग गए ना इसके। तो गाइस अभी जो हो रहा था, ये क्या हो गया हमारे में, अभी जैसे मुंह धो के ही हमें ना, बोला कैफ मैं एग्जाम में ना फर्स्ट आया करती थी, वो भी अपोजिट वर्ड वाले एग्जाम में, मतलब अपोजिट वर्ड्स, मतलब एक वर्ड्स का अपोजिट वाले एग्जाम में। तो इसने बोला अच्छा अच्छा, तो फिर उतने में से वीडियो चालू कर दिया था, तो मैं उसको वही बोल रही थी गाइस प्लीज हंसिए आप लोग, प्लीज जोक मारा। खाना खाए बाबू ने, बाबूजी। चलो ठीक है, अभी खाना वगैरह खाते फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे। नहीं एंड कर दो ना। नहीं खाना खाते खाते ना। अरे हाँ गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, जोक्स अपार्ट, इतना बड़ा वर्ड बोला मैंने इंग्लिश। तो गाइस मेरे को ये बोलना था कि अब्बा गए थे दी ग्रेट जूनियर महमूद से मिलने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग ने देखे रहेंगे उनका बचपन का, वो कौन सा वो गाना, हाँ मैं एक क्लिप डाल दूंगा चाहिए तो, ठीक है थोड़ी जगह दे, यहाँ पे साइड में एक क्लिप डाल देता हूँ, वो उस पर नाचे होना ले गोरी काल तंदाना, हम तेरे 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 चांदने वाले हैं। ये गोरे काला चंदाना, ये रेशमी काला चंदाना, ये सोला काला चंदाना, है तेरे ख्याल चंदाना। वो भी बता देता हूँ, जब 11वीं की नियाज में आए थे ना, तभी उनकी हालत थोड़ी डाउन हुई थी, फिर जब मैं अब्बा के साथ जा रहा था नासिक, तभी हम लोग गाड़ी में थे, तभी कॉल आया था कि उनको उसी दिन हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो थोड़े दिन पहले द ग्रेट जॉनी लीवर साहब भी गए थे उनको मिलने, फिर उसके बाद आज अब्बा गए थे। तो मैं एक क्लिप आप लोग पहले ये देख लो, मेरे बड़े भाई जूनियर भाई, टीचर साहब, आप लोग अल्लाह से दुआ करिए, सब लोग
कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर से दुनिया को हंसाने लगे। और ये हमेशा हंसाते थे, किसी को रुलाए नहीं, तो आप लोग भी दुआ करिए वापस से आप लोग को हंसाए जल्द से जल्द। तो ये क्लिप जो आपने देखी है, ये अपन आज ही गए थे, कल गए थे, शायद कल गए थे, पता नहीं आज या कल, दोनों में से एक दिन गए थे। तो गाइस प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए। ही इज़ वन ऑफ अ वेरी बेस्ट कॉमेडियन, बहुत कीमती एक हीरा है वो इंडस्ट्री के, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी मूवीज़ में काम किया। उन्होंने उनको जो एक टाइटल मिला है जूनियर महमूद का, तो मेरे को तो नहीं लगता आज तक किसी और को वो टाइटल मिला होगा। तो छोटी मोटी बात नहीं है गाइस, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, उनके हाथ में ले दुआ कीजिए, ठीक है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार। और एक चीज मैं इसमें मेंशन करता हूं, अभी मैंने बोला है शिरिन को जब भी तू वर्कआउट करती है ट्राई कर वीडियो शूट करने के लिए, तो आप लोगों तक भी पहुंचे कि किस तरीके से मेहनत कर रही है, ठीक है। ये करने से जो नहीं आती है, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगले व्लॉग से कोशिश करेगी कि शूट कर ले कोई ना कोई चीज़, ठीक है। अभी आप करते हो, सो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।